उधर यमन में हुथी लड़ाकों ने ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी कर अमेरिका और इसराइल को खुली चेतावनी दे दी है। वही हुथी लड़ाके हैं जिन्होंने लाल सागर में सुपर पावर अमेरिका की नाक में दम कर रखा। इसी वजह से पिछले हफ्ते अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में मौजूद उनके कई ठिकानों पर हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी और उसी के बाद अमेरिका समेत इसराइल के सभी मददगार देशों को धमकाने के लिए हुथी लड़ाकों ने अपनी ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया। उसमें यमन के एक सुनसान इलाके में आधुनिक हथियारों से लैस कई हुथी लड़ाके एक इजरायली कैंप की तरफ बढ़ते दिखे। सेना के किसी ऑपरेशन की तरह हुथी लड़ाकों ने कैंप के अंदर घुसने के लिए एक हिस्से को बम से उड़ा दिया। इसके बाद कुछ लड़ाके अंदर दाखिल हो गए। कैंप के अंदर 3 टेंट बने थे, उनमें एक के बाहर कुछ हुथी लड़ाके पोजीशन लेकर खड़े हो गए। अगले ही पल एक ने पैर से उसका दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटने के बाद दूसरे लड़ाके ने अंदर लगी इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू की तस्वीर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद हुथी लड़ाकों ने वहां मौजूद 2 लोगों को बंधक बना लिया। उन्हें वहां से लेकर निकलने के बाद उन्होंने पूरे कैंप को ही धमाका कर उड़ा दिया। मतलब इस वीडियो को जारी कर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो हमास की तरह इसराइल में घुसकर हमला कर सकते हैं। उधर अमेरिका की धमकियों से बेखौफ किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइल का परीक्षण कर डाला। हालांकि उत्तर कोरिया ने यह दावा भी किया कि उसकी ये मिसाइल किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई। लेकिन इस दौरान उत्तर कोरिया ने अपनी इस नई नवेली मिसाइल की ताकत का डंका बजाकर अपने दुश्मनों को चेतावनी भी दे डाली। उत्तर कोरिया की सेना के मुताबिक उसकी ये सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखती है और किम जोंग उन इसे अपनी सबसे घातक और आधुनिक मिसाइल बता रहे हैं। लेकिन उससे भी जरूरी है इस मिसाइल परीक्षण की टाइमिंग, क्योंकि उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण तब किया जब उसकी विदेश मंत्री रूस के दौरे पर है। मतलब किम जोंग उन ने एक तरह से ये मिसाइल परीक्षण कर अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया को फिर एक बार चेतावनी दे डाली और उसने इस बार अमेरिका की धमकी को भी हवा में उड़ा दिया। मतलब एक तरफ तो उसने मिसाइल की ताकत दिखाई तो दूसरी तरफ रूस से अपनी मजबूत होती दोस्ती की तरफ इशारा भी कर दिया और ये भी साफ कर दिया कि अगर दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अमेरिका आगे आया तो उसे किम जोंग उन के साथ ही पुतिन से भी टकराना पड़ सकता है।